महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने वाले हैं, लेकिन शपथ से पहले एक कार्ड वायरल हो रहा है जिस कार्ड में अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का नाम नजर आ रहा है, लेकिन इस कार्ड में कहीं भी एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है। आखिरकार ये कार्ड है क्या और क्यों सिर्फ इन्हीं दोनों नेताओं का नाम लिखा है उस कार्ड में? एकनाथ शिंदे का नाम इस कार्ड में क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ समारोह 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। देवेंद्र फडणवीस सीएम और अजित पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे के शपथ पर सस्पेंस है। शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हैं, लेकिन बीजेपी इसे अपने पास रखना चाहती है। तो क्या ये कार्ड इसी खबर से जुड़ा हुआ है? सूत्रों के मुताबिक शिंदे को कैबिनेट में शामिल होने के लिए उनके विधायक उन्हें मनाने वर्षा बंगले पर पहुंचे। शिंदे सुबह से किसी से नहीं मिल रहे थे। शिंदे की नाराजगी एनसीपी के शपथ समारोह वाले इन्विटेशन कार्ड से साफ हो गई। कार्ड पर फडणवीस और अजित पवार का नाम है, लेकिन शिंदे का कार्ड पर नाम नहीं है। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, एकनाथ शिंदे हमारी विनती सुनेंगे और वो डिप्टी पद की शपथ लेंगे। हमें विश्वास है वो हमारे नेता हैं। हम चाहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बने। हम सभी एकनाथ शिंदे के पास जा रहे हैं। हम उन्हें मनाएंगे और शपथ ग्रहण के लिए तैयार करेंगे। शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कुछ देर में वो राजभवन एक पत्र भेजकर इसकी पुष्टि करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनते तो शिवसेना का कोई विधायक सरकार में शामिल नहीं होगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस 2014 से 19 में पहली बार सीएम बने। 2019 में अजित पवार की मदद से वो सीएम बने, लेकिन दो दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि एकनाथ शिंदे उस वक्त सीएम बनने वाले थे। अब ये कार्ड सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कार्ड पर फडणवीस और अजित पवार का नाम क्लियर लिखा है, लेकिन शिंदे कहीं भी इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। इससे ये क्लियर होता है कि शिंदे कैबिनेट में शामिल नहीं हो रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम के अलावा गृह मंत्रालय भी दिया जाए, लेकिन बीजेपी हाईकमान इसको लेकर तैयार नहीं है। इस मलाईदार पद को बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। देखना होगा शाम को शिंदे डिप्टी सीएम बनते हैं या नहीं। वहीं उनके करीबी नेता और शिवसेना विधायक संजय शिरसाट का बयान सामने आया है कि एकनाथ शिंदे पार्टी की सुनेंगे और सरकार में शामिल होंगे। वहीं संजय शिरसाट का ये भी कहना है कि अगर शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो शिवसेना का कोई विधायक सरकार में नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले महायुति की महाराष्ट्र में बैठक होने जा रही है। चुनाव के रिजल्ट के बाद शिंदे का बयान सामने आया था कि हम मोदी और शाह की बात मानेंगे, सरकार मिलकर बनाएंगे। अब देखना होगा कि वो बात पर राजी होते हैं या नहीं। बता दें महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के अलावा 8 से 10 केंद्रीय मंत्री, 15 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा एनडीए गठबंधन के सभी नेता मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है महाराष्ट्र के प्रमुख बिजनेसमैन और कई बॉलीवुड स्टार भी इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है समारोह में राज्य के करीब 40,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण पर सस्पेंस बना हुआ है। क्या एकनाथ शिंदे शपथ लेने वाले हैं? ये ठीक 5 बजे के बाद साफ हो जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।